नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देथलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैजिक मैथ्स के इस अमेजिंग सेशन में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हम आज रिमाइंडर थ्योरम हमारा चैप्टर चल रहा है और हम उसकी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज भी हम रिमाइंडर थ्योरम के कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपने चैनल को लाइक शेयर नहीं किया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब जब करते हो आप तो आपको प्लेलिस्ट में जो एक सीक्वेंस में वीडियो डालता हूं मैं, उसका फायदा आपको वहीं मिलता है। तो ये सबसे जरूरी है, यहाँ पर प्लेलिस्ट के सीक्वेंस से वीडियो पढ़ाई करने के लिए आपको सबसे जरूरी हो जाता है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दूसरी चीज, जो आपने अगर पिछली क्लास रिमाइंडर की नहीं देखी है तो आप क्लास यहां से बंद करिए और आप पहले वो क्लास देखिए ताकि आज की क्लास आपको नहीं तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन हमारे उसी के बेस पे रहेंगे। हमने जो कॉन्सेप्ट पिछले क्लासेस में डिस्कस किए हैं तो उसी के बेस के ऊपर हमारा क्वेश्चन रहता है। तो आप वो क्लास आप पहले देख लीजिएगा और उस क्लास को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर उसके बाद मेनू में जब जाते हो तो मेनू में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको हर सब्जेक्ट वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आप वहां पर देखोगे रिमाइंडर थ्योरम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सीक्वेंस से वीडियो डले हुए हैं। उससे पहले भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं वहां पर। उसमें हम सबसे पहले अगर दो जो हमने प्लेलिस्ट की बात करते हैं तो मैंने जहां पर आपकी प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब पर, अगर आप जैसे आपको सर्च करना है यूट्यूब पर, आप जब सर्च करोगे कैसे, तो जब आप करोगे मैजिक मैथ्स बाय देथलिया सर, जब आप ये वहां पर सर्च करोगे मैजिक मैथ्स बाय देथलिया सर तो चैनल आपको एक बार में सर्च में आ जाएगा। तो आपने यहां से वहां से सर्च करना है, उसके बाद आपने सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना है। ठीक है, जब सब्सक्राइब की बटन होगी वो ब्लैक वाली ऐसे ऐसे करके बटन आती है, उस बटन को क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास मेनू आएंगे ऐसे, तो एक मेनू उसमें होगा प्लेलिस्ट। ठीक है, मैं आपको ये चार्ट दिखा देता हूं। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, वहां पर प्लेलिस्ट बनी है। एक फर्स्ट टू इंपॉर्टेंट वीडियोस। ठीक है, एक प्लेलिस्ट ये है जिसमें कि दो वीडियो है, और जो हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और एक हमारा जो सीक्वेंस ऑफ नंबर है, इसमें जो पहला वीडियो है वो इंट्रोडक्शन है और जो दूसरा वीडियो है वो आपका सीक्वेंस ऑफ मैथ्स। इसलिए ये वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोनों। ठीक है, और दूसरी प्लेलिस्ट की अगर हम बात करें तो दूसरी प्लेलिस्ट हमारी है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ये हमारी दूसरी प्लेलिस्ट है जिसमें सिर्फ एक वीडियो है जिसमें नंबर्स का पूरा क्लासिफिकेशन दिया है, कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर होता है, कौन सा क्या होता है, सारे डेफिनेशन के साथ एग्जांपल के साथ मैंने उसमें समझाया है। अगर हम तीसरी प्लेलिस्ट की बात करें तो हमारा है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की हम बात करते हैं, यूनिट डिजिट है तीसरी जो हमारी प्लेलिस्ट है। और यूनिट डिजिट में टोटल 5 वीडियोस है। ठीक है, उसमें सारे यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस हमने करवाए हैं। ठीक है, और चौथी है आपकी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें आपके 10 वीडियोज है। ठीक है, इसमें सारे रूल्स और सारे नंबर्स के अलग अलग रूल्स और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। ठीक है, और पांचवी की बात करें हमने तो अपना रिमाइंडर थ्योरम। पांचवा हमारा रिमाइंडर थ्योरम है जिसमें कि
चार वीडियो हो चुके हैं और जो आज की क्लास होगी ये पांचवा होगा और उसके आगे उसमें जुड़ते जाएंगे। और ये अभी क्या है, अभी पांच हुए हैं और ये कंटिन्यू आगे चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये है पूरा आपका मैजिक मैथ्स का जो है आपका प्लेलिस्ट का ये पूरा कंटेंट मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया और अभी हम आगे चलते हैं। चलिए तो देखो हम मैंने अभी तक आपको क्या क्या समझा दिया है। देखो फर्स्ट क्लास में हमने किया था बेसिक्स, हमने बेसिक्स कर लिया है। उसके बाद हमने हमने किया था उसके बाद अपना बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम और उसके बाद हमने अपना इसकी दो क्लासें थी, इसकी एक क्लास थी, इसकी दो क्लास थी और इसके बाद हमने किया था बाइनोमियल के बाद फॉर्मेट्स, फॉर्मेट्स थ्योरम, ठीक है। इसकी हमारी एक क्लास हुई है, मतलब टोटल चार वीडियो हमारे इसके बन चुके हैं, आज ये पांचवा है। और आज हम क्या करेंगे, हम कल करेंगे यूलर्स, ठीक है, कल करेंगे हम यूलर्स थ्योरम, कल मैं आपको बताऊंगा यूलर्स थ्योरम। और आज हम क्या करेंगे, इनको जो ये इनमें क्या होते हैं, जब हम इनको पढ़ाई करते हैं तो इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन से में पावर से डिवाइड करना है, कौन से में बेस से डिवाइड करना है, कौन से में कहां पर क्या होगा, कहां पर क्या होगा। तो ये थोड़ा सा आज हम कुछ इनसे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन आज यहाँ पर करेंगे ताकि आपका जो डाउट है कहीं बीच में अगर आता है तो वो आपको क्लियर होता रहेगा। आप जब मेरे साथ आप रिवाइज करोगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, रिविजन क्वेश्चन, ठीक है। तो हम आज जो है इनके बेस पे क्वेश्चन रिवीजन करेंगे हम, ठीक है। तो आइए हम अभी स्टार्ट करते हैं। ये देखो अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, नंबर नंबर का कोई नहीं है उसमें, एक क्वेश्चन है आपका 5 की घात 12 मतलब 5 की पावर 12 और 11। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम। अभी एक चीज आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए कि जब हम बाइनोमियल थ्योरम से कोई भी रिमाइंडर निकालते हैं तो वो बेस पे काम करता है, ठीक है। और जब फॉर्मेट्स के इसे हम करते हैं तो वो क्या करता है, वो पावर पे काम करता है, ठीक है, वो पावर पे काम करता है। तो काम कैसे करता है अभी देखो हम इसको करते हैं, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मेट से करेंगे। तो फॉर्मेट्स की अगर हम बात करते हैं कि कोई भी बेस की पावर जो भी हो और अगर वो जिस संख्या से ये होती हो माइनस तो ये डिवाइड होती हो तो उसका जो ये फॉर्मेट नंबर क्या होता है, यहां पर इसका एक फॉर्मेट नंबर होता है। फॉर्मेट नंबर हमेशा क्या होता है, जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उस संख्या से एक नंबर कम, मतलब कि यहां पर जो फॉर्मेट नंबर आएगा वो आएगा 11 माइनस 1, तो मतलब आपका जो हो गया ये 10 हो गया। तो इस सवाल को जब हम करेंगे, इस सवाल का रिमाइंडर निकालेंगे तो हम अगर फॉर्मेट के थ्योरम से निकालेंगे तो फॉर्मेट थ्योरम जो है फॉर्मेट नंबर जो होगा वो होगा 10। तो हम क्या करेंगे, ये जो 12 है और देखो जैसे मैंने बताया कि फॉर्मेट जो है पावर पे काम करता है, तो ये 10 है, इस 10 को हम देखेंगे कि ये 12 में कितनी बार आएगा, तो ये इससे डिवाइड करेंगे हम, 10 से इस 12 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब हम 12 को इस 10 से डिवाइड करते हैं तो एक बार में पूरा भाग चला जाता है और दो हमारे पास बच जाते हैं। तो जो जब इसमें क्या होता है, जब जो भाग चला जाता है उसको साइड कर देते हैं और जो बचता है उसको हम कंटिन्यू करते हैं पावर के साथ, उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम अगर इसकी बात करें तो यहां पर हमारा ये बचता है 5 की पावर 2 मतलब 5 का स्क्वायर बचता है और नीचे 11 रहेगा। और अगर हम 5 के स्क्वायर की बात करें तो कितना होगा ये 25/11, ठीक है। और 11 को जब हम इससे सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 22 बार तो हमारा भाग चला जाएगा, 11 × 2 = 22 और जो 22, 23, 24, 25 यानी कि 3 जो बच जाएगा वो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर होगा, तो इसलिए हमारा आंसर फाइनल यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। तो ऐसे इसको काम करते हैं, ये फॉर्मेट थ्योरम पे हम क्या करते हैं कि जो जिस संख्या से हम विभाजित करते हैं उस संख्या से एक कम उसकी पावर होती है, पावर में मतलब वहां पर उसको हम लेते हैं, वो पावर कितनी भी हो लेकिन उसकी मल्टीप्लाई में हम लेते हैं। तो
तो यहां पर देखो 12 थी, तो लेकिन हमने 11 माइनस 1 10 लिया, और 10 से हमने इसको भाग किया 12 को, तो हमारा पास 10 चला गया और 2 बच गया। तो 2 हमारा जो इसकी 5 की पावर सिर्फ 2 बच गई, तो जो कि 25, 5 स्क्वायर हो गया, 25 बन गया, 25 इस 25 को हमने 11 से भाग दिया, तो हमारा आंसर 3 आ गया। ठीक है, अभी देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका 70 की है पावर 89 और ये डिवाइड बाय है 17। ठीक है, देखो इसको कैसे करोगे। देखो एक चीज यहां पर समझना कि अगर हम इसमें ये करने जाते हैं जो अपना बाइनोमियल, अगर हम इसमें बाइनोमियल करते हैं तो बाइनोमियल किस पे काम करेगा, इस पे। और अगर फर्मेट्स की बात करें हम, फर्मेट्स, तो फर्मेट्स किस पे काम करेगा, 89 पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें और एक चीज कर सकते हैं कि हमको जो संख्या ज्यादा बड़ी लगे ना उस संख्या को बड़ी कर ले, हो बाद में हम शिफ्ट हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको पहले हम बाइनोमियल से करेंगे इसको यहां पर। तो पहले हम अगर बाइनोमियल से इसको करते हैं तो 70 में से कितने, ये 70 पे करेगा, मतलब ये 17 से भाग होगा 70 में पहले, अगर बाइनोमियल करेंगे तो 17 से पहले 70 में भाग होगा। ठीक है, तो 70 में अगर हम 17 से भाग करेंगे तो 17 देखो आपका कितनी बार जाएगा, आपका 17 जाएगा 4 बार, 68, मतलब 17 चौक 68, तो आपको यहां पर 68 बचेगा। ठीक है, मतलब 4 बार चला जाएगा, 68 चला जाएगा और आपका 2 बचेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका बचता है 2। अगर हम बाइनोमियल से करते हैं तो यहां पर 2 बचेगा और 2 की घात 17 और ये पूरा 89 बचेगा। अब देखो, अब ये हमारा सवाल ऐसा हो गया। ठीक है, हमने यहां पर दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, बाइनोमियल और फर्मेट भी। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको फर्मेट से करेंगे। ठीक है, ये हमने ये हमारा हो गया बाइनोमियल यहां तक। ठीक है, ये बाइनोमियल हो गया, अब हम इसको यहां से फर्मेट से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब यहां से अपना फर्मेट चलेगा। अब फर्मेट में क्या करेंगे, फर्मेट को जैसे मैंने आपको बताया कि जो जिस संख्या से हम विभाजित करते हैं उस संख्या से एक कम हमारा ये चलता है। तो आप देखो यहां पर हमारा जो FN है, मतलब फॉर्मेट नंबर है हमारा, वो है हमारा 17 से एक कम, मतलब 16। ठीक है, तो फॉर्मेट नंबर हमारा है 16, तो 16 को हम क्या करेंगे, इस 80 पावर को 16 से हमको डिवाइड करना है। तो आप देखो कि 16 से 16 का कितनी बार भाग जाता है इसमें। ठीक है, आप इसको देखो 16 से इसको कितनी बार भाग जाता है, तो आप बोलोगे कि 16 पंजे 80 होता है, तो ये मतलब 80 तक यहां चला जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो 9 बचेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये 2 तो पहले ही 1 हो गया और यहां पर 16 पंजे 80 भी चला गया, तो हमारा यहां 9 हो गया। ठीक है, और यहां पर हो गया आपका 17। ठीक है, तो मतलब हमने इसको जो 70 की पावर 89 था उसको बाइनोमियल और फॉर्मेट दोनों की फॉर्मूले अप्लाई करके हमने उसको 2 की पावर 9 कर दिया, मतलब हमारे पास ये इतना सा बच गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 9 देखो, अभी आप जब हम 2 की पावर 9 को सोल्व करते हैं तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1। मतलब क्या होता है कि जब बेस सेम होती है तो पावर एड, पावर जो होती है वो जुड़ती है। ठीक है, पावर एड होती है जब बेस सेम होता है। ठीक है, तो क्या होता है ये, यहां पर देखो आप, ये डिवाइड बाय 17 है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको इसको अगर सोल्व करोगे तो ये आप देखो कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, मतलब ये 16/7 है, 16 × 16 × 2। ठीक है, बाय 7 17। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, अब 17 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो हमको पता है कि ये माइनस में भाग चला जाएगा। जैसे हमने सीखा था कि माइनस में अगर एक संख्या ज्यादा है हमारे पास डिवाइड करने वाली तो हम उसको माइनस कर सकते हैं वन, और उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, जो हमारी जो बेस होता है इसमें हम माइनस कर देते हैं, लेकिन जब ज्यादा संख्या होती है तो उसको प्लस माइनस हो सकता है वो। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर देखो आपका एक माइनस आ गया, 17 में से 16 नहीं जाएगा, मतलब एक माइनस का रिमाइंडर है इंटू, फिर एक माइनस का रिमाइंडर है और इंटू 2 है। अभी 2 हमारे पास माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 की 2 से हम 1 को कितनी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 2 ही आएगा। तो मतलब यहां पर हमारा जो आंसर है वो 2 आ गया, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है,
तो ये तो हमने हो गया, मैंने आपको एक बता दिया कि हमने पढ़ा पढ़ा क्या क्या है। अच्छा मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है, देखो अभी इसको हम थोड़ा सा एक अलग से, ये कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा उसको आपको अलग से याद रखना है। देखो कि फोर की पावर, जब फोर बेस फोर होता है और पावर आपकी कुछ भी हो और ये डिवाइड बाय सिक्स होता है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखता है रिमाइंडर निकालने के लिए कि फोर की पावर, फोर की बेस है और पावर कुछ भी हो, पावर उसकी कुछ भी होने दो और डिवाइड बाय वो सिक्स है, तो उसका हमेशा जो रिमाइंडर है वो फोर ही आएगा, ठीक है। ये हमेशा उसका आंसर फोर ही आएगा, किसी भी कीमत पे उसका आंसर फोर आएगा। ठीक है, तो हम एक, आप एक चीज देखो, आप, मैं एक चीज बताता हूं आपको, फोर की पावर वन और नीचे है सिक्स, तो ये क्या होगा, मतलब ये है फोर बाय सिक्स, तो मतलब चार में से छह एक बार भी नहीं जाएगा, तो ये जो चार है हमारा रिमाइंडर ही रहेगा, ठीक है। और देखो फोर की पावर टू बाई सिक्स, तो ये क्या होगा, चार चौक सोलह होगा, सोलह, और सोलह को जब छह से करोगे तो आपको छह दो बार जाएगा बारह तक, और आपका चार बच जाएगा, ठीक है। मतलब यहां पर भी आपका रिमाइंडर फोर बचता है। उसके बाद आप फोर की पावर थ्री देखो, फोर का क्यूब डिवाइड बाय सिक्स, तो यहां पर क्या होता है, चार की पावर तीन क्या होता है आपका, सिक्सटी फोर को आप सिक्स से करते हो तो ये दस बार में साठ तक पूरा भाग चला जाएगा और आपका चार बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चार बच गया। उसके बाद आप देखो चार की पावर चार है और नीचे छह है, तो चार के पावर चार कितना होता है, चौसठ चौक 256, तो 256 है आपका, ठीक है। तो 256 में आप जब छह का करोगे तो आपका छह चौक 24 चला जाएगा और एक 25 इधर आ जाएगा और ये 16 हो जाएगा और 16 में फिर आपका 12 तक जाएगा और फिर आपका चार बच जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो ये ऐसे चलते हैं, मतलब इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका बेस चार हो और पावर कुछ भी हो और नीचे छह हो तो आपका हमेशा आंसर चार आएगा। आंख बंद करके वहां पर आंसर चार कर देना है, ठीक है। तो अब हम इस पे, इससे बेस पे, इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब ये मैं यहां से मिटा देता हूं इसको। चलिए एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है आपके पास कि 16 की पावर 1 प्लस 16 की पावर 2 प्लस 16 की पावर 3 प्लस 16 की पावर 4 और प्लस ऐसे ऐसे करके ये प्लस 16 की 50 तक जाता है, ठीक है, 50 की पावर 4 तक जाता है और हमारा जो ये है इसका नीचे 6 है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 4 हो और उसकी पावर कुछ भी हो और नीचे 6 हो तो हमारा आंसर हमेशा 4 आएगा। तो आप देखो इसको, इसको अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो जितने भी 16 है उसमें अगर 6 से डिवाइड करोगे तो आपके 12 12 12 सब में से निकल जाएंगे और आपके पास फाइनली बचेगा क्या कि 4 की पावर 1 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 और ऐसे करके आपको 4 की प्लस 4 के पावर 50 ऐसे मिलेगा, ठीक है। और आपका जो नीचे पूरा 16 है, और देखो कंडीशन यहां पर ये वही कंडीशन बन रही है कि 4 है और पावर में कुछ भी है और नीचे 6 है तो आपका हमेशा आंसर 4 आएगा, ठीक है। आपका आंसर इसमें रिमाइंडर जो है आपका 4 बचेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपको,
अच्छा, हमारे जो क्वेश्चन सीरियल नंबर चल रहे हैं वो हमारे 35 तक हो गए थे पिछले क्लास में, और अभी इस क्लास में हम 36वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे ये रिमाइंडर थ्योरम का पूरा चैप्टर चलेगा जिसमें किसी का भी थ्योरम हो, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन है वो सीरियल एक ही सीरियल में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 36वां क्वेश्चन आप देखो, 36वां क्वेश्चन है, इफ द रिमाइंडर ऑफ 6 की पावर 45 है और डिवाइड बाय 5 है इज ए। ठीक है, एक क्वेश्चन है 6 की पावर 45 और डिवाइड बाय 5 है, तो और तो उसका रिमाइंडर आता है ए। हाँ, उसका रिमाइंडर है ए एंड रिमाइंडर ऑफ 4 की पावर 16 डिवाइड बाय 6 इस बी। ठीक है, दो नंबर दिए इसमें। देखो, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है कि 6 की पावर 45 भाग 5 अपॉन में 5 का रिमाइंडर अगर सोल्व करते हैं तो ए है, और एक और संख्या है 4 की घात 16 और डिवाइड बाय 6 जो कि उसका रिमाइंडर बी है, तो आपको बताना क्या है। देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आप कैसे करोगे इसको, इसको हम कैसे करेंगे, आप में ऑप्शन भी दिए हैं इसमें, ये 14, बी आपका है 17 और आपका सी है 16 और आपका डी है 15। ठीक है, तो अभी आप देखो, पहले हम एक को देखते हैं, इसको, ये हमारा क्वेश्चन ऐसा है 6 की 45 और डिवाइड बाय 5, 6 की पावर 45 है ओपन में 5 है, तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। हम इसको देखो, हम उसको इसको ले लेते हैं अपना, ये फॉर्मेट थ्योरम से ले लेते हैं। तो अगर हम इसकी फॉर्मेट की बात करें तो इसका फॉर्मेट नंबर क्या होगा, इसका फॉर्मेट नंबर है 5, जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उस संख्या से एक कम, मतलब हमारा इसका फॉर्मेट नंबर होगा 4। ठीक है, तो 4 से अगर हम इस 45 को भाग करेंगे तो 44 हमारा पूरा चला जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1, मतलब 6 की पावर 1 बचेगा और 5 बचेगा। ठीक है, अगर फॉर्मेट से करते हैं हम तो इसको भाग कर देंगे इतना चला जाएगा, और 6 की पावर 1 का मतलब 6 ही होता है और 5, और अगर हम 5 से 6 को भाग करेंगे तो 5 एक बार चला जाएगा और आपका एक रिमाइंडर 1 हो जाएगा आपका, ये मतलब ये आंसर नहीं है, ये इसका आ गया जो ए की पावर, मतलब ये ए इज इक्वल टू है, ए के लिए हमको 1 मिल गया, तो यहां पर आपको a इज इक्वल टू 1 हो गया। और अगला हम करते हैं, अब देखो b की जगह पे हम क्या करेंगे, b की जगह पे बोल रहा है 4 की पावर 16 और अपॉन में 6, तो इसको कैसे करेंगे, इसको मैंने इसका कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया था कि अगर ऊपर 4 और पावर कुछ भी हो और 4 6 से भाग हो रहा है तो उसका आंख बंद करके आंसर 4 लिखना है। ठीक है, तो आपके b इज इक्वल टू 4 आ गया। अब इन्होंने पूछा क्या है आपसे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या है आपका, जो ए है आपका, ए है 1 की 1 स्क्वायर प्लस आपका बी है 4, यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 स्क्वायर, तो इसमें आपने क्या करना है, ए 1 का स्क्वायर की बात करें तो 1 ही होगा, तो 4 की स्क्वायर की बात करें तो 16 होगा और 16 प्लस 1 17 होगा, मतलब आपका आंसर यहां पर ये होगा। ठीक है, आ रहा समझ में, मतलब ये क्लास मैंने आज इसीलिए क्लास रखी है क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होता है, इसमें हर कोई कंफ्यूज होता है, किसी का इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं बेस में होता है, कहीं पावर में डिवाइड होता है, तो यहाँ थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहता है, तो बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, तो फिर क्या है कि जब एग्जाम में वो पढ़ते हैं तो एग्जाम में उनको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, तो भूल जाते हैं फिर वो, तो इसलिए थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस जरूरी, क्योंकि और दूसरे विषय, दूसरे जो अपने सब्जेक्ट टॉपिक्स है मैथ में, उनको क्या है कि आपने अपने एक बार कर लिया तो आप नहीं भूलोगे, लेकिन इसमें क्या थोड़ा से भूलने के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा क्लास करवा रहा हूं इसकी, और आप अपने से करोगे प्रैक्टिस इसकी तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, फिर क्या है आपको चुटकियों में उड़ाओगे इनको। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 37। ठीक है, इसमें देखो 11 की
अपॉन 12 है और जो 11 की पावर है 11 और उसकी पावर है 11। अभी देखो इसका रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर इक्वल टू, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे हम, 11 की पावर 11 की पावर 11, ठीक है। तो अब एक चीज देखो यहां पर हम सॉल्व करते हैं इसको, 11 की पावर 11 मतलब और 11 और नीचे है 12। तो अगर हम इनको करेंगे, अगर हम इतना सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। तो हम अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी पावर करेंगे, तो ये कोई भी हमको कितनी 11 की 11 को हम कितनी बार भी ये कर लेंगे, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो ये 11 इंटू 11 बार 11 है, जो पावर पावर है वो 11 बाय 11 है। तो 11 बाय 11 को हम जब करेंगे तो ये कुछ भी होगा लेकिन वो लास्ट में इवन डिजिट देगा हमको, एक सॉरी ऑड नंबर देगा, यहां पर एक ऑड नंबर ही आएगा हमको, क्योंकि इवन नंबर मिलने का यहां पर कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर हम इसके बात करें तो हमको 11 की जगह कोई भी ऑड नंबर मिलेगा और ये नीचे 12 है। और मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, मैंने बताया है, अगर आपने देखी हो तो आपको याद होगा और नहीं देखी हो तो देख लेना, ठीक है, कि जब ऑड की इवन जब आपका डिवाइड आप करते हो, मतलब ये यहां पर आती क्या है, अब ये माइनस है, अगर हम 12 से 11 में भाग देंगे तो ये हमको माइनस मिलेगा यहां पर, ठीक है, मतलब माइनस की संख्या है और हम एक ऑड संख्या है, तो हमारा मतलब अगर हम इसको करते हैं तो ये माइनस की पावर माइनस वन है, ये अगर हम 12 से इसको करें 11 तो मतलब ये माइनस वन है और इसकी जो पावर है वो ऑड है। तो मैंने आपको बताया था कि माइनस के साथ, माइनस के बेस के साथ अगर एक ऑड नंबर आता है तो उसका आंसर हमेशा माइनस वन ही होता है, ठीक है। तो इसका माइनस मतलब आंसर इसका माइनस, रिमाइंडर जो है वो माइनस वन ही है, लेकिन अब हम क्या करेंगे इसको फाइनल सोल्व करने के लिए, हम इसको 12 में से घटाते हैं, तो 12 में से हम घटाते हैं माइनस वन करते हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 11 ही आता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस टाइप में सोल्व कर सकते हैं, यहां पर ऑड है तो, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला भी ऐसे क्वेश्चन देगा कि आप उसमें कैसे न कैसे फंसो, जब अगर आपको ये याद है चीज तो आप उसको आसानी से कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा आप उसको या तो स्किप करोगे नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट करोगे और हो नहीं पाएगा अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो, क्योंकि ये अगर आप ऐसे करने जाओगे तो ये बहुत लंबा टाइम खींचेगा और आपका एग्जाम में पूरा टाइम बर्बाद करेगा ये, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए ताकि आप उसको वहां फट से कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर है आपका 22 और इसकी पावर 22 है और डिवाइड में 7 है। तो अब हम इसको देखो कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे फर्मेट के नियम के हिसाब से, फर्मेट थ्योरम के हिसाब से करेंगे। तो फर्मेट का नियम क्या बोलता है, फर्मेट का नियम बोलता है कि जो उसकी जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हो उस संख्या से जो ऊपर की संख्या की पावर है वो एक नंबर कम है वो उसका फॉर्मेट नंबर है। तो फॉर्मेट नंबर यहां पर क्या है, जैसे यहां 7 है तो फॉर्मेट नंबर क्या आएगा यहां पर 6, ठीक है, इस संख्या का यहां पर फॉर्मेट नंबर है 6। तो इस 22 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो इस 22 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो कितना होगा, 6 किया 18 होगा, मतलब 18 जो कट जाएगा उसको निकाल देना है, जो बचेगा उसको सोल्व करना है। तो मतलब 6 किया 18 तो आपका 18 22 में से जब निकल जाएगा तो आपकी 22 की पावर बचेगी 4, ठीक है, और आप नीचे आपका 7 आ जाएगा। अब आप देखो इस 22 को अगर आप ऐसे करोगे सोल्व करोगे तो आपको बहुत टाइम खाएगा ये, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में करने के लिए आप क्या करोगे, इसको आप सीधे लिखो 22 × 22 × 22 × 22, ठीक है, और अपॉन में इसको 7 लिखो। अब इसको कैसे करोगे, अभी देखो 7 × 21 यहां 3 तक भाग चला जाएगा आपका 1 बचा, तो सब में 3 तक भाग चला जाएगा और आपका 1 बचेगा और 1 की पावर कितनी भी हो आपका आंसर हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि यहां पर आ रहा है 1 की पावर 4 और आपका जो आंसर है वो फाइनल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी अप्रोच से अगर आप इनको सोल्व करोगे तो आपका बहुत ही टाइम बचाएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम,
39वां क्वेश्चन करते हैं। 39वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक नंबर है आपके पास 4444 और ऐसे ऐसे करके चले जा रहा है 44 और ये है 70 times, ठीक है। मतलब ये 70 digits है। आप टाइम की जगह डिजिट भी ले सकते हो इसको, मतलब 70 digits की संख्या है ये और इसमें पूरे 4 4 4 है, 70 digits, ठीक है। एक संख्या है आपकी और इसको आपको भाग करना है 13 से, ठीक है। तो देखो इसको दिमाग लगाओ कैसे करोगे। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आप आसानी से कर पाओगे, नहीं तो आप यहां पर अभी इधर उधर देखोगे, ठीक है। आप देखो 4 4 4 संख्या लिखी हुई है और ये 70 digits तक लिखी है और ये 13 से विभाजित होता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक चीज बताई थी आपको अपने जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की क्लास में कि कोई भी संख्या हो, अगर 6 12 18 या फिर 6 के मल्टीप्लाई में कितनी भी बार रिपीट हो रही हो तो वो क्या होगा, 7 और 11 और 13 इनसे पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। कोई भी संख्या है जो 6 के सेट में रिपीट हो रही है, वो 6 के सेट में मतलब 6 के 6 बार 12 बार 18 बार या 6 की टेबल में मल्टीप्लाई कितनी बार भी जो रिपीट हो रही है वो 7 11 और 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, उसमें कोई कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो आप यहां पर देखो, यहां पर आपकी संख्या है 70, ठीक है। यहां पर आपकी संख्या 70 है, ठीक है। 70 संख्या को आप 70 को क्या करोगे, आप पहले तो इनका ये देखोगे कि ये जो कितनी बार रिपीट हो रही है संख्या है, तो आप इसमें देखोगे कि 70 से रिपीट हो रही, तो आप 6 के सेट में ये कहां तक ऐसी संख्या है जो हमारी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, ये 70 में 6 का भाग देंगे, तो उससे क्या होगा, हमको सेट निकल जाएगा, हमारे की सेट पता चल जाएगा। तो आप देखो 6 एकम 6 और 1 बचेगा और फिर 6 एकम 6, ठीक है। मतलब आपके 11 सेट बन रहे हैं इसमें, मतलब जो 11 सेट है वो आपके 66 तक के जो सेट है, जो 70 डिजिट है इसमें जो आपकी 66 डिजिट है वो क्या हो जाएगी, वो 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, उसमें आपका कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। और अब जो रिमाइंडर आपका बच रहा है 4, मतलब आपका ये 1 2 3 4 संख्याएं छोड़ के यहां तक की जो संख्या है आपकी, यहां तक की संख्या है ये 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी और आपके पास बचेगी लास्ट में 4 संख्याएं, ठीक है। तो अब इनको क्या करोगे, आप इन 4 संख्याओं का हम 13 से भाग देंगे, ठीक है। तो जो आपके अभी बची है 4 4 4 4 इनको हम क्या करेंगे, इनको 13 से भाग दे देंगे, ठीक है। इनको हम 13 से भाग दे देंगे तो ये क्या होगा, देखो आप 13 3 39, ठीक है। 13 3 39 हो गया, 39 फिर आपका बच गया यहां पर 5, ठीक है। उसके बाद आपने उतारा 4, फिर आपका कितना बार चला गया इसमें, 13 चौक 52, 13 चौक 52 तक आपका चला गया। उसके बाद आपका बचता है 2 और फिर आप उतारते हुए 4 वापस आखिरी वाला, तो आपका होता है 13 एकम 13, क्योंकि 26 तक वो पहुंच नहीं पा रहा है और 24 में से 13 घटाओ 4 में 3 जाएगा तो आपका 1, 2 में से 1 जाएगा, तो ये मतलब इसमें आपका जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर आपका यहां पर 11 बचेगा और यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आया समझ में, तो यहां पर अपने क्वेश्चन अब इतना ये करते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, ठीक है। चलिए, आपको मैथ्स का कैलकुलेशन स्पीड करना है, कैलकुलेशन फास्ट करना है,
तो उसका एक ही मतलब है, एक ही उसका यह है सोल्यूशन कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस से ही होगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ्स का सोल्यूशन मजबूत होगा। आप कहीं भी जाते हो, घूमते फिरते कहीं भी घूमो, लेकिन आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलता है। ये जो यूनिवर्स है पूरा, हर जगह कैलकुलेशन है, ये गणित से भरा हुआ है, मैथ्स से भरा हुआ है। आप अगर रोड पे भी जाते हो तो आप देखते हो कि हाँ, एक माइल्स का किलोमीटर पत्थर लगा हुआ है, यहाँ पर इतना किलोमीटर, वो इतना किलोमीटर, ये एक 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 किलोमीटर हम चलते जाते हैं, वो एक एक माइनस होते जाते हैं। मतलब हर जगह गणित है, अगर आप दिमाग लगाओगे तो हर जगह गणित है। ठीक है, हर जगह आपको मैथ्स मिलेगा। तो आपको मैथ्स में अगर स्पीड चाहिए, मैथ्स की स्पीड चाहिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको कम से कम टेबल्स जो है, पहाड़े जो है, एक से लेके 30 तक तो याद होने चाहिए। पहाड़े आपको टेबल याद होनी चाहिए, उसके बाद आपको स्क्वायर, स्क्वायर जो आपको एक से लेके स्क्वायर तो 50 तक याद होने चाहिए, 30 क्या, एक से 50 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। उसके बाद आपके क्यूब जो है, क्यूब आपको एक से लेके 30 तक आपको क्यूब, मतलब ये चीज जो है आपको ऐसी याद होनी चाहिए कि कोई नींद में झपट मारे और उठाए बोलो 25 का क्यूब बताओ, तो आप तुरंत बोलो कि हाँ ये। ठीक है, उसके बाद आप फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को जो हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, मतलब ये आपको कम से कम 1 से लेके 1/20 इतना आपको फ्रैक्शन अगर याद होगा तो आप बहुत अच्छे मैथ्स कर पाओगे। ठीक है, 30 तक टेबल, 50 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब और फ्रैक्शन, ये इतने। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन क्या है, कैसे पढ़ोगे, कहां पर, ये सारी चीजें आपको कहां मिलेगी, तो आपके लिए मैंने एक नोट्स बनाए हैं। ठीक है, जिसका मैंने नाम दिया है इंस्टेंट नोट्स। ठीक है, एक पीडीएफ है, वो एक इंस्टेंट नोट की पीडीएफ। तो आपको ये कैसे मिलेगी, वो मेरे पास, मैंने संभाल के रखी है, उसको बना के रखी है, और आपको जैसे भी आपको चाहिए वो पीडीएफ, तो आपने क्या करना है, जो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, मेरा मोबाइल नंबर जो चल रहा है, इस मोबाइल नंबर को आपने सेव करना है अपने डिवाइस में, और उस डिवाइस से मुझे आपके व्हाट्सएप से मुझे मैसेज करना है कि प्लीज सेंड इंस्टेंट नोट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वो नोट आपको सेंड कर दूंगा। तो आप होगा उससे क्या कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं किसी का इंतजार कर रहे हो, कहीं और कहीं गए हो, कहीं जगह से जगह बैठे हो, आप बोर हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, तो आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो आप उसको जब खोल खोल के देखोगे, पढ़ोगे धीरे धीरे ना, तो धीरे धीरे वो चीजें आपके माइंड में स्टोर होने लगेगी, और उससे क्या होगा, ये सब चीजें जब एक बार आपके दिमाग में घुसना स्टार्ट हो जाएगी ना, तो फिर आपको मैथ्स में ऑटोमेटिक हर जगह आप कैलकुलेशन ढूंढोगे, कहीं भी देखोगे तो कोई नंबर देखोगे, कोई गाड़ी का नंबर देखोगे तो हाँ बोले, कोई भी गाड़ी चल रहा है तो ये गाड़ी आगे चल रही है, इस नंबर का स्क्वायर है, ये इस नंबर का क्यूब है, आप ऐसे उनको सोल्व करने लगोगे ऑटोमेटिक, और आपकी स्पीड देखना, आप अपना खुद आश्चर्य करोगे कि ये स्पीड कैसे बढ़ गई मेरी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, और एक बार स्पीड बढ़ गई तो फिर मैथ्स के कैलकुलेशन में आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज मैंने बताई थी फर्स्ट अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन है और आपके रिलेटिव में ऐसे कोई एक्स सर्विसमैन है जो कि आर्मी से रिटायर होके आए हैं, और उनका कुछ पेमेंट, कुछ ऐसा कुछ कारणवश कुछ कागजी कार्रवाई छूट गई हो उनकी, जो वो हो नहीं पाया और उनको पेमेंट नहीं मिला है, ऐसा भी हो सकता है कि वो उनको याद ही ना हो कि हमारा क्या पैसा है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि उनको ये याद ही नहीं होता है, क्योंकि वो ग्राउंड में ड्यूटी करते हैं, ऑफिस में कभी देखते नहीं कि हमारे कागज में डॉक्यूमेंटेशन क्या हुआ है, तो उसमें उनके चक्कर में उनका क्या है, कुछ जो अमाउंट होता है जो इकट्ठा मिलता है लास्ट में, उसमें से कुछ छूट जाता है। तो अगर ऐसा कोई है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि मैं भी आर्मी में क्लर्क था, इसलिए मैं उसकी हेल्प करूंगा, और ये जो मेरी सर्विस रहेगी उसकी हेल्प करने की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो वो आप उसे उनको बता सकते हो इस वीडियो के बारे में कि इस जो ये मेरा नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, मैं उनकी हेल्प करूंगा। तो ये एक अच्छा वो रहेगा कि किसी का भी अगर आर्मी का मेहनत का पैसा है, पसीने वाला पैसा है उसका, तो वो उसको मिल जाए, हम यही चाहेंगे, तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो अगर आपके रिलेटिव में है या फिर आप खुद कोई एक सर्विसमैन हो, आप आए हो, और एक सर्विसमैन आप हो सकता है कि आप एक सर्विसमैन और तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो, और एक सर्विसमैन से रिलेटेड ही मैं बात करूंगा उस पे चैनल पे भी कि कैसे आप ये कर सकते हो,
और आपके कोई समस्या, जैसे कोई पैसा छूट गया, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कुछ कागज छूटा हुआ है, कुछ कागज आपके पूरे नहीं हुए, तो उसका उसमें मैं हेल्प कर दूंगा आपकी, ताकि आपको जो आपका पैसा जो आपका कहीं फंसा हुआ है, रुक गया, फौज में से मिला नहीं, आर्मी से जब रिटायर हुए, तो ऐसे में आपकी हेल्प हो जाएगी। सिर्फ मेरा यही मकसद है, ठीक है? तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है मेरी, और ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो मेरे से, और ये PDF नोट के लिए कोई भी मुझे व्हाट्सअप नंबर व्हाट्सअप कर सकते हो आप, तो मैं वो भी आपको इंस्टेंट नोट भेज दूंगा, ताकि आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो। और जो डेली क्लासेस होती है अपनी, डेली क्लासेस की PDF, और उसमें उसको भी आप अपने इस पे मिल जाती है, वो अपना टेलीग्राम चैनल है, तो आप अगर जो ये PDF नोट आप मंगाओगे, तो इस PDF नोट में मेरे सारे जो सोशल मीडिया के लिंक्स है वो भी है, उसमें व्हाट्सएप चैनल का नंबर है, लिंक है, उसके बाद टेलीग्राम का लिंक है, यूट्यूब का लिंक है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का, उसमें सारे मैंने लिंक दिए हुए हैं, तो वहां से आप मेरे हर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे आप जुड़ सकते हो, ठीक है? तो उम्मीद करेंगे आपकी क्लास आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और हमने जो क्वेश्चन किए हैं इनको आपको दोबारा रिवाइज करना है घर पे बैठ के आराम से, ठीक है? और जैसे आप उनको रिवाइज करोगे तो क्या होगा कि आपको भी अच्छे से याद होने लगेंगे। और बाकी हमने यही कारण है कि थोड़ा सा ये कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, इसलिए मैंने आज थोड़ी सी कुछ क्वेश्चन और आपको रिवाइज करवाए, और हम कल यूलर्स थ्योरम का हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया सब टॉपिक है वो इसका, रिमाइंडर थ्योरम का ही, तो कल हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं कल हम शाम को इसी टाइम 9 बजे, तब तक मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये कीजिए, अपना रिवीजन कीजिए, ताकि आप इससे आपके जल्दी जल्दी जो भी सपना है वो पूरा हो, ठीक है? कल मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर।